हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के बारे में। तो क्या चर्चा करेंगे संविधान के बारे में, देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि हम संविधान के ऊपर लगभग 15 से 20 चैनल बनाएंगे, 20 लेसन बनाएंगे, जिनमें पूरा आपका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की, आपको ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो मोर देन 90% इसी में से आएंगे। डेफिनेटली हम वो पूरे सारी चीज़ें वो कवर करेंगे जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आप देखिएगा, इसको जरूर से देखिएगा, और आप जो भी लेसन देखें उसके बाद में उस लेसन से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, और किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो आप जरूर से देखना कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो आज का हमारा टॉपिक है उद्देशिका या प्रस्तावना। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना, प्रीएम्बल। मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ में इंग्लिश टर्म भी यूज करता जाऊं, ताकि इंग्लिश मीडियम के अगर कोई हैं तो उनको भी इक्वली फायदा हो पाए। तो प्रीएम्बल की आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, प्रीएम्बल के बारे में हमें क्या पढ़ना है, मैं बता दूं आपको कि यूपीएससी का ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी की जो फेवरेट टॉपिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उद्देशिका और मूलाधिकार, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी हैं। वो यूपीएससी के सबसे फेवरेट टॉपिक है, कि वहाँ से वो हमेशा क्वेश्चन डालने की कोशिश करती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा प्रीएम्बल। क्या आप चर्चा करेंगे आज हम इसके बारे में, सबसे पहले तो ये कि कहाँ से लिखी है। आपको पता होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रावधान हैं वो सब हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री से लिए हैं। तो इसका भी हम सोर्स जानेंगे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रीएम्बल, तो ये कहाँ से ली गई है। दूसरी चीज इसके बारे में जो देखेंगे ना, वो देखेंगे क्या ये संविधान का पार्ट है या नहीं है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, या संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये भी हम इसी में देखेंगे, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। जो तीसरी चीज हम देखेंगे वो उसके बारे में देखेंगे हम, मुख्य शब्दावली। मुख्य शब्दावली से हमारा मतलब है कि प्रस्तावना में जो वर्ड यूज किए गए हैं कुछ, है ना, प्रस्तावना में, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। जैसे हम भारत के लोग, ये किस को पॉइंट ऑफ व्यू करता है, इसका पॉइंट क्या है। जैसे गणतंत्र है, प्रस्तावना में कुछ न्याय की बात की गई है, तो वो कौन सी न्याय है, कौन सी स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में की गई है, इस तरह के बारे में हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ कहाँ से ली गई है इसको। तो दोस्तों, जो हमारा संविधान बनाया गया था उसके लिए हमने एक संविधान सभा बनाई थी, ठीक है, संविधान सभा। तो एक छोटी सी बात करते हैं हम संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के ऊपर हमारा एक पूरा लेसन बनेगा, उसमें हम चर्चा करेंगे संविधान सभा की, लेकिन इसमें जो कुछ है अभी यहाँ से जो रिलेटेड है प्रस्तावना से, वो हम एक बार यहाँ से कवर करते हैं। इसकी कुछ मीटिंग्स हुई थी, पहली मीटिंग थी इसकी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी मीटिंग हुई थी इसकी 11 दिसंबर 1946, तीसरी मीटिंग थी 13 दिसंबर 1946। अब हमें यही रुक जाना है, ये है हमारे काम का आज का, क्योंकि तीसरी मीटिंग थी संविधान सभा की। इसमें क्या हुआ, नेहरू जी खड़े होते हैं और नेहरू जी एक स्पीच देते हैं, और उस स्पीच में ये बताते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्यों यहाँ पे खड़े हैं और हमें करना क्या है। एक ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन वो देते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव देते हैं यहाँ पे वो एक, ये आता है इसमें तीसरी मीटिंग में, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि नेहरू जी खड़े हुए और उन्होंने एक स्पीच दी, और उन्होंने संविधान सभा के सभी मेंबर्स को बताया कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा काम क्या है और हमें कैसे काम करना है, हम जो संविधान बनाने वाले हैं वो कैसा होगा, वो जनता के लिए उत्तरदायी होगा या कैसा भी होगा, ये सब उन्होंने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में कहा। सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी उनकी बात। और जो नेक्स्ट मीटिंग हुई थी फिर 22 जनवरी 1946, इसको सभी ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को मान लिया, पास कर लिया, और उसको क्या कहा कि हम इसको हमारी प्रस्तावना बनाएंगे।
तो जो फोर्थ मीटिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो नेहरू जी ने थर्ड मीटिंग में 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव दिया था उसको सभी ने पास कर दिया सर्वसहमति से और उसको प्रस्तावना बनाने के लिए सभी एग्री हो गए। अब मैं बताता हूँ कि आपसे क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है वो है कि नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया, कब पास किया गया, कब आया, उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया, तो नेहरू जी ने दिया। कब दिया? संविधान सभा की थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को पास कब किया गया या उसको प्रस्तावना बनाने का विचार कब लिया गया, तो उस टाइम पे आ जाएगा हमारे पास में 22 जनवरी। तो ये दो तरह के आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए यहीं पे बात खत्म नहीं होती, फिर है कि हमने सारे सोर्स किसने किसी कंट्री से लिए थे। तो यहाँ पे ये बात तो हो गई कि प्रस्तावना हम इसको बनाएंगे, लेकिन हम क्या प्रस्तावना बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये हमने कहाँ से देखा कि क्या प्रस्तावना भी कोई होती है क्या, तो ये हमने देखा ऑस्ट्रेलिया से। तो अगर बेसिकली आपसे पूछा जाए कि हमारी प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली है हमने प्रस्तावना। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स की मैं बात करूँ तो यूएसए से लिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संसद का विचार जो लिया है हमने वो ब्रिटेन से लिया है, गणतंत्र व्यवस्था होगी या नहीं होगी ये हमने फ्रांस से लिया है। इसी तरह से हमने जो उद्देश्य का प्रस्तावना या प्रीएम्बल ली है वो कहाँ से ली है, वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपसे दोनों ऑप्शन एक साथ देता है तो दोनों ऑप्शन सही है, अगर आपसे कोई सा एक ऑप्शन ही देता है तो दोनों में से जो ऑप्शन आता है वहाँ पे वो सही है, अगर दोनों एक साथ देता है तो बोथ आर द राइट्स। ठीक है, तो ये बात हमारी खत्म हुई कि कहाँ से ली गई है। तो दो जगह से ली गई है, एक तो यहाँ से उद्देश्य प्रस्ताव से, उद्देश्य प्रस्ताव किसका था, नेहरू जी का, नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव हमने वहाँ से प्रस्तावना बनाई है, और या फिर बात करते हैं किसी कंट्री की तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में हमने देखा, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान बनना उससे पहले हमारी संविधान सभा ने सारे देशों के संविधान की स्टडीज करी थी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, जर्मनी, सभी की स्टडी करी और वहाँ से जो अच्छी चीज़ें लगी वो हमने ऐड कर ली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया से संविधान, ये प्रस्तावना का जो इरादा था वो हमने प्रस्तावना ले ली कि हम प्रस्तावना यहाँ से लेंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करता हूँ मैं दूसरे टॉपिक की कि क्या संविधान का भाग है या नहीं है। तो अब देखते हैं हम कि क्या संविधान का भाग है या नहीं है, कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है नहीं, प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो ये देखते हैं कि क्या भाग है। तो देखिए दोस्तों क्या था कि ये है हमारा संविधान, ठीक है, और ऐसे समझ लेते हैं कि इसकी वाइफ कौन है, इसकी वाइफ है प्रस्तावना, और जो संविधान की मम्मी है, मदर है, वो कौन है, संसद, ये है इस तरह से। अब क्या होती है कि सास की आदत होती है बहू को छेड़ने की, तो ये संसद है वो बार बार किसको छेड़ती है, प्रस्तावना को छेड़ती है। ये प्रस्तावना तो वैसे ही ऑस्ट्रेलियन है तो आपको पता ही है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा वैसे है कि अपने अधिकारों को लेके जागरूक जाते हैं, है ना, तो ये इसको बर्दाश्त नहीं करती संसद को और कहती है कि ना कि ये मेरे को संसद है ना बहुत छेड़ती है, तो इसका इससे बैर हो जाता है। ठीक है, बैर का मतलब तो आप समझते हो ना, लड़ाई होना, तो इसका बैर हो जाता है इससे, तो एक विवाद आता है बेरुबाड़ी, तो इनमें बैर हो गया तो एक विवाद आया बेरुबाड़ी विवाद 1960 में, ये आया बेरुबाड़ी विवाद 1960 में। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कहा गया, इसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो प्रस्तावना है ना वो संविधान का अंग नहीं है। इसमें क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया तो इसका मतलब कि जो संसद थी वो प्रस्तावना को नहीं छेड़ेगी, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन ही खत्म हो गया आपस में कि इसने तलाक ले लिया संविधान से, प्रस्तावना में तलाक ले लिया संविधान से, तो अब जो संसद है वो इसको नहीं छेड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, संसद प्रस्तावना में संशोधन, छेड़ना मतलब संशोधन, संशोधन नहीं कर सकती, कि जब तलाक हो गया तो ये संसद इसकी सास ही नहीं रही, और सास नहीं रही तो ये क्या करेगी, इसको छेड़ेगी नहीं, छेड़ने का मतलब यहाँ पे क्या है कि संशोधन है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे रुक जाते हैं।
तो बेरुपाड़ी विवाद आया था 1960 में, इसमें देखो दो फैसले दिए जो सबसे इम्पोर्टेंट दो फैसले थे, वो क्या दिए प्रस्तावना के बारे में, हम सिर्फ प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रस्तावना के बारे में दो फैसले दिए इम्पोर्टेंट थे वो, कि एक तो ये कि जो संविधान, ये प्रस्तावना है ना वो संविधान का अंग ही नहीं है, अगर अंग नहीं है तो संसद को पावर है कि वो संविधान में चेंज कर सकती है, तो इसने कहा कि संविधान को कितना भी छेड़ो चाहे इसे संसद, ठीक है, लेकिन प्रस्तावना को नहीं छेड़ेगी, इसलिए नहीं छेड़ेगी क्योंकि इसका पार्टी नहीं है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैसले थे वो। क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछा जाएगा कि कौन से विवाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो आप बता दोगे उस टाइम कि बेरुपाड़ी विवाद था जिसमें यह कहा गया। क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, प्रेजेंट टाइम क्या है वो हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अगर पूछें कि बेरुपाड़ी विवाद में कौन से दो फैसले आए थे तो ये दो फैसले थे, या आपसे पूछे कि कौन से विवाद में कहा गया कि प्रस्तावना में संसद संशोधन नहीं कर सकती है, तो आप बता देंगे कि वो बेरुपाड़ी विवाद था। इस तरह से अभी क्या, अभी प्रेजेंट में क्या है वो मैं अब आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट में संशोधन कर सकती है नहीं कर सकती है। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, ये आपने देख भी लिया होगा। इसके बाद में क्या होती है कि जो प्रस्तावना है वो इससे डिवोर्स ले लेती है, तलाक ले लेती है, तो अकेले अकेले पड़ जाती है। एक दिन इसको कृष्ण जी मिलते हैं, कृष्ण जी को केशव भी कहते हैं, तो एक दिन इसको केशव मिलते हैं और वो पूछते हैं कि प्रस्तावना क्या है, तो इसे परेशान क्यों है, तो इसने कहा कि मैं क्या करूं, भगवान है ना, अकेली हो गई, मेरा डिवोर्स हो गया। तो इसने कहा कि यार ऐसे नहीं काम चलता, देख मैं और राधा भी तो साथ रहते हैं, तो तू भी है ना मतलब साथ साथ रहा कर। तो विवाद एक और आता है केशवानंद भारती, केशव हमारे कृष्ण भगवान को भी कहते हैं, यह आया था 1973। इसमें देखिए क्या फैसला दिया, इसमें यह फैसला दिया कि जो प्रस्तावना है वो संसद का अंग है, ये इसमें फैसला आया, जो फैसला पीछे दिया था। अच्छा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है, एक मैं बात करता हूं आर्टिकल 137 की, पूरी तरह से तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी जो कुछ रिलेटेड है हम उसी के बात करते हैं। तो 137 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो अपने ही किसी डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, कि पहले उसने किसी भी चीज़ के लिए हाँ कहा ना तो वो अगले डिसीजन में उसके लिए ना कह सकता है। ये पावर किसके पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में, और आर्टिकल 137 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आर्टिकल 137 का प्रयोग किया और क्या कहा कि मैंने पहले ऐसे कहा था ना कि संविधान का ये अंग नहीं है प्रस्तावना, लेकिन मैं मेरी बात को कैंसिल करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ना संविधान का अंग है प्रस्तावना, तो ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे संसद हो गया, मैं इसको संविधान लिख देता हूँ, संविधान का अंग है। अब अंग है तो वो वाली बात फिर से आ गई कि संविधान है, इसके वाइफ प्रस्तावना है और संविधान की माँ संसद है, तो ये क्या करेगी, साथ से इसको फिर से छेड़ेगी, तो फिर से छेड़ेगी तो अबकी बार तो इसको छेड़ना पड़ेगा। तो ये क्या कह रही है, संसद क्या कह रही है कि मैं तो तेरे को छेड़ूंगी, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है फिर है ना कि संसद क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, इस दिन इसको छेड़ सकती है, संशोधन कर सकती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संसद को कह दिया कि तू इसको छेड़ सकती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको छेड़ा, संसद ने बिल्कुल छेड़ा और एक बार संशोधन कर भी दिया इसमें। तो अब यहाँ पे बात आती है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, तो दोस्तों बिल्कुल प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, कब हुआ था, 42 संशोधन 1976, ये आप सभी को पता होगा, ये संशोधन हुआ कि जब संशोधन की बात आ गई ना कि कर सकती है, तो 73 में तो ये कहा गया कि संशोधन कर सकती है और 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसमें देखिए तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक जोड़ा गया था अखंडता। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इनको सिक्वेंस में पूछते हैं, तो आप इसको सिक्वेंस में याद रखने के लिए इसपा याद कर लेना, SPA के इस तरह से जोड़े गए हैं। सबसे पहले जो जोड़ा गया वो समाजवादी जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया, उसके बाद में अखंडता, एक साथ ही जोड़े गए। लेकिन अगर संविधान की बात हो तो ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड लाइन थी, ये और ये कोई और लाइन थी, तो इस तरह से जोड़ा गया। तो ये पहली लाइन में जोड़ा गया है दूसरी लाइन में, और उसके बाद में ये जो लास्ट वाली लाइन में था वो अखंडता जोड़ा गया था। इस तरह से यहाँ पे A जोड़ा गया है और यहाँ पे S जोड़ा गया है, यहाँ पे P जोड़ा गया है, इस तरह से जोड़ा गया। तो आपसे पूछते हैं कि पहले कौन से जोड़ा, बाद में कौन सा, तो पहले तो ये समाजवादी, बाद में पंथनिरपेक्ष और बाद में अखंडता। और इसी में एक इम्पोर्टेंट फैसला दिया गया, प्रस्तावना को समझाया गया कि यार हस्बैंड वाइफ को इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए, वाइफ को क्या होती है कि आत्मा होती है हस्बैंड की। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैसला दिया गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है,
अब आपसे पूछे कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये फैसला कब दिया गया, तो ये केशवानंद भारती में दिया था। तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन इसमें आए हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग है, संसद संशोधन कर सकती है, और अगर कर सकती है तो संसद ने ये काम कर दिखाया फटाफटी, और उसमें क्या हुआ, हमने तीन नए वर्ड्स जोड़ दिए थे, ठीक है। और एक कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना आत्मा है, और इसको साथ में कहा गया कि पूंजी भी है। अगर कहीं पे भी किसी वर्ड में हमें संविधान की प्रॉब्लम आती है तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो तीसरी चीज बचती है हमारे पास में कि मुख्य शब्दावली, जो तीसरी बात है हमारे पास में वो है मुख्य शब्दावली कि कौन कौन से इसमें मुख्य शब्द यूज करे गए हमारी प्रस्तावना में हमारे संविधान के लिए। तो तीसरी चीज के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों सबसे जो फर्स्ट लाइन है हमारे संविधान की, सॉरी प्रस्तावना की, वो है हम भारत के लोग। इस लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। इस लाइन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो है, वैसे तो हमारा संविधान इंग्लिश में है, बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, तो इसका है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये है इंग्लिश में लाइन, बाद में हमने इसका ट्रांसलेट कर लिया। तो ये लाइन है, देखिए दोस्तों इसमें जो हम है, हम वर्ड, सबसे पावरफुल जो वर्ड है ना वो यही है, हम भारत के लोग। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हम भारत के लोग जो लाइन है ना वो क्या शो कर रही है, या फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में संविधान है ना, जो संविधान या भारत में सत्ता या संप्रभुता किस में निहित है, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो कौन है, हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है संविधान के अनुसार। कि आपसे पूछे कि संविधान के अनुसार सबसे ज़्यादा शक्ति या शक्ति का स्रोत कौन है, या संप्रभुता किस में है, सॉवरेंटी किस में निहित है, तो किस में है, भारत की जनता में, क्योंकि ये ऐसे कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत के लिए, कि भारत के लोग भारत के लिए एक संविधान बना रहे हैं, इसलिए बनाया किसने संविधान, भारत के लोगों ने, तो संविधान से भी ज़्यादा बड़ा कौन हो गया, भारत के लोग हो गए जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया है, ठीक है। इसमें जो ये वर्ड है वो हमने लिया है यूएसए से, इसलिए अगर कई बार पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना की जो शब्दावली है या प्रस्तावना की जो शब्द हैं वो हमने कहाँ से लिया है, तो हम है वो यूएसए से लिया है, नहीं तो हम डायरेक्ट ऐसे कहते थे कि है ना कि भारत के लोग या भारतीय, कि भारतीय ऐसा कुछ, तो हम है वो हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया वो मैं बताता हूँ आपको क्या पूछा गया। भारत में संप्रभुता निहित है, आप इसके आंसर देना, राइट आंसर तो मैं आपको बता दूंगा, मैं कुछ ऑप्शंस लिखता हूँ आप बताना, सोच लेना जल्दी से। संसद, ऐसे समझ लीजिए यही ऑप्शन है, संसद, राष्ट्रपति, संविधान और जनता। तो आप बताइए कि भारत में संप्रभुता किसमें निहित है, ज़्यादातर का ऑप्शन तो होगा संसद में या फिर किसी का संविधान में, कुछ लोग होंगे जो मिनिमम परसेंट वाले राष्ट्रपति बताएंगे, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जनता। जनता कैसे है, क्योंकि ये जो फर्स्ट लाइन है वो यही कह रही है कि हम भारत के लोग भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाने वाले हैं, आगे जो जो लाइन लिखी हुई है वो इस तरह की, तो इस लाइन से ये पता चलता है कि भारत में जो है वो संप्रभुता किस में निहित है, भारत की जनता में निहित है। तो सबसे ज़्यादा जो शक्ति का स्रोत है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि संप्रभुता निहित है या शक्ति का स्रोत कौन है, तो शक्ति का स्रोत भी संविधान नहीं होगा, कौन होगा, जनता होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो जनता है भारतीय, अच्छा इसको कौन सी संप्रभुता कहते हैं, इस संप्रभुता का नाम दिया गया है लोकप्रिय संप्रभुता। अगर आपने पिछले एग्जाम्स के पेपर देखे होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था लोकप्रिय संप्रभुता क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता कि वो वाली संप्रभुता या ऐसी संप्रभुता या संप्रभुता का वह प्रकार जहाँ पे शक्ति का सर्वोच्च जनता होती है, तो जहाँ पे है जनता सर्वोच्च शक्तिशाली होती है वहाँ पे होती है लोकप्रिय संप्रभुता। तो लोकप्रिय संप्रभुता भारत में पाई जाती है क्योंकि भारत की जनता सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इवन वो संविधान से भी ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि संविधान को भी इन्होंने ही बनाया है, ठीक है। तो एक वर्ड है, दूसरा यहीं से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रस्तावना में भारत का नाम क्या है, तो आप कहेंगे कि इंडिया है, भारत है, दोनों ही है, लेकिन भारत नहीं है, भारत सिर्फ हमने ऐड किया है बाद में। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो इंडिया है यहाँ पे उसका हिंदी भारत कभी नहीं होता है, भारत एक अलग नाम है और इंडिया एक अलग ही नाम है, ठीक है। इंडिया जो दिया था वो
ईरानियों ने नाम रखा, यूनानियों ने नाम रखा था, और भारत हमारे जो भारतीय जो राजा होते थे भरत नाम से, उनके कारण हुआ था। तो इंडिया और भारत ये दो अलग अलग नाम है, आप इनको ऐसे मत समझना कि इंडिया का जो हिंदी कर दिया तो भारत हो गया, ठीक है, ये भारत नहीं है। इंडिया जो नाम दिया था वो यूनानियों ने दिया था, ठीक है, और भारत हमने खुद ने रख लिया था जो भरत नाम के राजा होते थे यहाँ पे। तो प्रस्तावना में दोस्तों सिर्फ एक ही नाम है भारत का, वो है इंडिया, कि सिर्फ ये वाला नाम है। अगर मैं आर्टिकल एक की बात करूं तो आर्टिकल एक में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, आप लाइन को फिर से सुनना, इंडिया दैट इज भारत, ये आर्टिकल एक की बात है। तो अगर मैं आर्टिकल एक की बात करता हूं, यहां पे लिखता हूं, इसमें भारत के दो नाम है, कौन से हैं, भारत और इंडिया, कि दोनों अलग अलग नाम है। आप इसको ऐसा मत समझना कि इंडिया का हिंदी अर्थ भारत होता है, ऐसा कभी नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये नाम है जो आर्टिकल एक में है, आर्टिकल एक की जो लाइन है वो मैं आपको फिर से बोल के बताता हूँ, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। तो उसमें कितने नाम आ गए, दो नाम आ गए। लेकिन अगर बात करूँ प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना में क्या नाम, प्रस्तावना देखो कैसे स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब सिर्फ इसमें इंडिया का जिक्र किया गया है, ठीक है। ये भी एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में भारत के कितने नाम हैं और संविधान में कितने नाम हैं। तो दोस्तों संविधान की बात करूंगा तो प्रस्तावना भी आ जाएगा और अनुच्छेद एक भी आ जाएगा। तो अगर संविधान की बात करें तो उसमें भारत के दो नाम हैं, भारत और इंडिया। लेकिन अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना की तो उसमें एक ही नाम है, बात करेंगे संविधान की तब उसमें दो नाम है। फिर से सुनिएगा, अगर प्रस्तावना के बारे में पूछा जाता है कि प्रस्तावना में भारत के कितने नाम हैं तो सिर्फ एक ही होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ओनली इंडिया है। अगर बात करें संविधान की तो संविधान में कितने नाम हैं, संविधान में भारत के लिए दो नाम यूज करे गए, भारत और इंडिया। आर्टिकल एक की जो लैंग्वेज है वो ऐसी है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। तो संविधान में दो नाम है भारत के, जबकि प्रस्तावना में सिर्फ एक ही नाम का यूज किया गया। तो मैं कह रहा था आपको कि इतनी छोटी सी लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, तो वो ये दो तीन क्वेश्चन छिपे हुए थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इसको मिटा के थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे और कौन से शब्द जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था पहली लाइन जो हमारी प्रस्तावना की थी, हम भारत के लोग, हमने इसको पढ़ लिया, इसका जो देखना था वो सब देख लिया। जो दूसरी लाइन है इसके बाद में वो आती है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, मैं लिखता हूं एक बार, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये हमारी प्रस्तावना की दूसरी लाइन है। देखें कैसे दूसरी लाइन, ये लाइन आती है, हम भारत के लोग, भारत को एक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य व उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ पे हम रुक जाते हैं एक बार। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे काम की है या कौन सी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे जो पहली इसमें लाइन है वो है संपूर्ण प्रभुत्व, बात आती है कि इसका क्या अर्थ होता है, टोटली सोवरेन, प्रभुत्व का अर्थ होता है सोवरेनिटी। तो इसका अर्थ यहाँ पे है कि हम, हमारे दो तरह के मैटर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल मैटर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों ही तरह के मैटर में क्या होते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। यदि हम हमारे सारे डिसीजन खुद से ले रहे हैं, भारत अपने डिसीजन खुद से लेता है, इसका मतलब क्या हो गया, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक राज्य है, ठीक है। इसके बाद में आता है समाजवादी, तो समाजवादी का अर्थ है सोशलिस्ट, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, सिर्फ इसका इंपॉर्टेंस एक ही है कि कब जोड़ा गया था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि संसद को ये अधिकार मिल गया था, कौन से केस में, केशवानंद केस में, कि वो क्या कर सकती है, वो प्रस्तावना को छेड़ सकती है, मतलब संशोधन कर सकती है। तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, कौन सा हुआ था, 42, कब हुआ था, 1976। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो यही पूछा जाएगा, समाजवादी जो वर्ड है वो कब जोड़ा गया, तो इस टाइम पे जोड़ा गया। इसके साथ में एक और वर्ड जोड़ा गया था, वो था पंथ निरपेक्ष। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये कब जोड़ा, तो दोनों एक साथ ही जोड़े गए थे, ठीक है। इसके बारे में जो एक और क्वेश्चन है वो एक इसके लिए महत्वपूर्ण विवाद था,
SR Bomi। दोस्तों SR Bomi विवाद या केस। अगर आप राजस्थान से और RPSC की तैयारी कर रहे हैं RAS की, तो RPSC का फेवरेट टॉपिक है विवाद। यहाँ से वो एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिएगा, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर होगा RPSC में जो किससे रिलेटेड हो, विवादों से रिलेटेड हो। एक तो मिनिमम है, वो दो भी डाल सकता है, तीन भी डाल सकता है, लेकिन एक तो उसका मिनिमम है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पंथ निरपेक्षता है उसका एक विवाद आया था SR Bomi केस। इसमें पंथ निरपेक्षता को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या लिया जाएगा। आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, पंथ निरपेक्षता से संबंधित विवाद है, ठीक है, और आगे आपको दे देगा SR Bomi वगैरह ये कुछ भी। ये आपसे पूछेगा प्रस्तावना से संबंधित जो वर्ड जोड़े गए उनसे संबंधित विवाद है, तो आपको ये सारी चीज़ें वो दे सकते हैं, ठीक है। गणराज्य का मतलब आप सभी जानते होंगे कि शासन का जो प्रमुख होता है, जैसे हमारे शासन का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, तो उसका इलेक्शन होता है, तो वो कोई भी देश गणराज्य तब कहलाता है जब उसका सबसे जो सबसे पावरफुल पद है या जो सबसे ऊंचा जो पोस्ट है वो क्या होता है, उसका इलेक्शन होता हो। तो हमारे यहाँ पे कौन है, सबसे ऊपर वाली पोस्ट पे राष्ट्रपति जी हैं, और यहाँ पे राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, जबकि ब्रिटेन में नहीं होता। तो ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन में राजतंत्र पाया जाता है, हमारे यहाँ पे गणराज्य पाया जाता है, ठीक है। ये थी हमारी प्रस्तावना की दूसरी लाइन। इसके बाद में प्रस्तावना की हम तीसरी लाइन देखते हैं, जिसमें हमें न्याय देने की बात कर रही है प्रस्तावना। ये कौन कौन सी न्याय है, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वो कौन कौन सी न्याय है जो प्रस्तावना के द्वारा देने की बात कही गई है। तो वो न्याय है, तीन तरह की न्याय है यहाँ पे जो हमें प्रस्तावना द्वारा मिलती है। कौन कौन सी देखें, सामाजिक न्याय, आर्थिक, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय। तो ये तीन तरह की न्याय है। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि वो कौन से न्याय के प्रकार हैं जो प्रस्तावना द्वारा दिए गए हैं। तो ये तीन तरह के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिस तरह से DPSP के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि वो वाद योग्य नहीं है, उसी तरह से प्रस्तावना में अगर ये वर्णन है और आप कहो कि मेरे को आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा और प्रस्तावना से कहे कि तेरे को आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, तो आप कोर्ट में जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार को लेके ही आप कोर्ट में जा सकते हो, बाकी किसी चीज़ को लेके नहीं जा सकते हो। जैसे अगर आप कहो कि मेरे प्रस्तावना में ये सामाजिक न्याय की बात कही गई है, मेरे को मिल नहीं रही है, तो मैं कोर्ट में जाऊँ और कहूँ कि देखिए प्रस्तावना में तो सामाजिक न्याय की बात कही थी, हमें मिल नहीं रहा है, तो आप कुछ करिए, तो कोर्ट कहेगा कि भाई साहब आपके सामाजिक न्याय जो है वो प्रस्तावना में उल्लेखित है, और प्रस्तावना के किसी भी प्रावधान को लेकर आप कोर्ट पे नहीं आ सकते, ठीक है दोस्तों।